चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि ए एक अशून्य परिमेय संख्या है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। यहाँ पे ये कह रहा है दोस्तों कि ए क्या है, अशून्य परिमेय संख्या है। अशून्य का मतलब होता है ऐसी कोई परिमेय संख्या जो जीरो ना हो, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी संख्या दिया हो इसमें हम कितने का गुणा कर दें कि इसका गुणनफल जो है एक आ जाए। यदि दोस्तों ए में एक बटा ए का गुणा हम कर दें तो इसका गुणनफल कितना आएगा, एक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ए और ए से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, एक बटा ए होगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, दो घनों के आयतन का अनुपात दिया है, 8:27 दिया है, उनकी भुजाओं में अनुपात पूछ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन बराबर कितना दिया है, 8 बटे कितना दिया है दोस्तों, 27 दिया है। तो पहले घन का आयतन क्या होता है, भुजा घाते 3, और दूसरे घन का भी आयतन होगा भुजा घाते 3। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं भुजा को ए1, तो ए1 घाते 3 बटे ए2 घाते 3 बराबर कितना मिला, 8/27 मिला। अब यहाँ पे दोस्तों हमें भुजा का मान निकालना है, तो इधर घन है दूसरी तरफ पंचांतर करेंगे तो ये घनमूल हो जाएगा। तो ए1 बटा ए2 का मान कितना मिलेगा, यहाँ पे घनमूल हो जाएगा, घनमूल का चिन्ह यह ऐसे होता है, लिखेंगे 8/27। तो दोस्तों 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है, और 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है। तो इनके भुजाओं में जो अनुपात आएगा वो 2:3 आएगा, तो 2:3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 1/2 + 3 के हर का परिमेयीकरण करना है। तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए सरल तरीका है, सबसे 2+3 लिख देंगे और इसी संख्या से अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे चिन्ह को बदलकर। यहाँ पे चिन्ह प्लस दिया है तो माइनस का चिन्ह लगा के अंश और हर में क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 2 - 3 अब बटे, नीचे बचेगा दोस्तों यहाँ पे ए प्लस बी है और यहाँ पे ए माइनस बी है, तो यहाँ सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो 2 - 3 बटा कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 - 3, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका परिमाप पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका परिमाप पूछ रहा है, तो त्रिभुज का परिमाप कोई भी त्रिभुज हो उसका परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 12 को जो है 3 बार जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 3 12 × 3 कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर जो है इस समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, एक बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया है 660 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया है, बेलन की त्रिज्या पूछ रहा है। तो बेलन की वक्र सतह का मतलब होता है वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 2πrh होता है, और 2πrh का मान दिया है 660 दिया है। अब 2 × π का मान रखेंगे कितना, 22/7 रखेंगे। आर पूछ रहा है ऊंचाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, बराबर कितना, 660 हो जाएगा। अब दोस्तों इसी को सॉल्व करेंगे, 10 इससे कैंसिल हो गया और 22 से काटेंगे, 22 × 22 = 66 इधर 3 हो जाएगा। तो आर का मान निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, इधर बचेगा 3 × 7 अब बटे, ये जो 2 पंचांतर हो जाएगा भाग में आ जाएगा, तो 7 × 3 = 21 21/ कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 21/2 को अगर हम भाग करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 10.5 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, 10.5 सेंटीमीटर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता बताइए। हम जानते हैं दोस्तों कि एक पासे में कुल 6 अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये कुल 6 अंक होते हैं। तो इसमें विषम अंक कौन कौन से हैं, तो विषम अंक है इसमें 1 और 3 और 5।
तो इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी भी संख्या दिया है कुल संख्या कितनी है, 6 है, 6 से भाग कर देंगे। अब विषम संख्या कितनी आई है, 1, 2, 3, 3 विषम संख्या है तो 3 से ऊपर गुणा कर देंगे। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2 हो जाएगा इसकी प्रायिकता। तो पहला वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों घनमूल 27, इस सवाल को हल करना है, बताना है कितना उत्तर आएगा। तो इस घनमूल 27 का जो घनमूल निकालेंगे तो दोस्तों कितना जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और प्लस इसको जो है पहले भिन्न बदलेंगे, इसको भिन्न बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 यहाँ लिखेंगे, 8/ कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 हो जाएगा, 8/1000, और प्लस इसको भी भिन्न बदलेंगे, 3 हो जाएगा, 64/ कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ बचेगा 3 प्लस 8 का घनमूल होता है 2, और बटा 1000 का घनमूल कितना होता है 10, प्लस 64 का घनमूल कितना होता है दोस्तों 4 होता है, अब बटा 1000 का घनमूल कितना होता है 10 होता है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 + 0.2 + 0.4 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ेंगे तो 3.6, तो 3.6 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों a + b² - a - b² इसको सरल करना है, बताना है कितना उत्तर आएगा। तो कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे पहले इसका सूत्र लिखाएंगे और इसका भी सूत्र लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a² + b² और +2ab हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर लिखेंगे a² + b² और यहाँ हो जाएगा -2ab। अब इस कोष्टक को खोल देंगे तो a² + b² + 2ab - a² - b² + 2ab हो जाएगा। कोष्टक खोलने के बाद अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे तो +a² - a² + b² - b² कट गया, तो बचा 2ab और 2ab, जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 4ab, 4ab जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों यदि एक कैंप में 7 व्यक्तियों के लिए 150 किलोग्राम खाद्य सामग्री आवश्यक है तो 28 व्यक्तियों के लिए कितनी खाद्य सामग्री आवश्यक होगी, कैसे लगाएंगे दोस्तों ध्यान समझिएगा। यहाँ पे 7 व्यक्ति है तो 7/150 लिखेंगे और बराबर इधर 28 व्यक्ति है तो 28/ क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। इसी को सॉल्व करेंगे तो 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 150 में 4 का गुणा कर देंगे, 15 × 4 = 60, 600 किलोग्राम जो है खाद्य सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। अगला सवाल है दोस्तों 24a² b² c³³ के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है दोस्तों, 2 × 2 × 2 × 3 होता है, और यहाँ पे a² b² c² ऐसे लिख लेंगे तो a² b² c³³ लिख लेंगे। तो ये वाला जो है किस ऑप्शन मिल रहा है, बी वाले ऑप्शन मिल रहा है, तो बी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।